अभी हमने जो इसका पहला पार्ट पढ़ा उसमें देखा कि किस तरह से टिमोथी जो है अब एक बड़े टाइगर की शेप ले रहा था और इसी वजह से अब उसका घर में रखना सेफ नहीं था, तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना अब इसे जू में शिफ्ट कर दिया जाए। तो अब आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ। एक बड़ा सा जो ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होता है उसे बुक किया गया, रिजर्व कराया गया खाली ग्रैंडफादर और टिमोथी के लिए, उसके अलावा और कोई भी कंपार्टमेंट में नहीं था। ग्रैंडफादर जो है वो उनको लखनऊ के जू में लेकर आ गए, जहां पर जो जू के अथॉरिटीज वाले थे वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनको एक ऐसा टाइगर गिफ्ट में मिल रहा था जो काफी अच्छा था, सेहतमंद था और काफी हद तक सिविलाइज भी था। मतलब जब एक इंसान उसको इतने दिन से अपने घर में रखे हुए है तो कुछ तो उस टाइगर में डिफरेंट होगा और टाइगर्स के मुकाबले। लगभग 6 महीने बीत चुके थे इस बात को कि जो टिमोथी था वो अब जू में शिफ्ट हो चुका था। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको मौका मिला कि वो लखनऊ में किसी रिलेटिव से मिलने आए, तो ग्रैंडफादर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जू वाले थे उनको फोन किया कि देखें कि टिमोथी जो है वहां पर कैसा है। मैं उस वक्त उन लोगों के साथ नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब वो लोग देहरा वापस लौट के आए और उन्होंने मुझे बताया कि वहां उनके साथ क्या हुआ। जू में जब ग्रैंडफादर पहुंचे तो वो सबसे पहले उसी पिंजड़े पर गए जहां पर टिमोथी को रखा गया था। वहां पर एक शेर था, जो टाइगर था वो था किनारे बैठा हुआ था बिल्कुल कोने में, पूरी तरह से एक बड़ा शेर के जैसे दिख रहा था और उसकी जो स्किन थी वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने स्ट्राइप्स वाला कोट पहना हुआ हो। ग्रैंडफादर ने जो है अपने जो हाथ थे वो दोनों केज के अंदर बार्स के थ्रू डाले और उससे ऐसे बोला कि हेलो टिमोथी कैसे हो। अब वो जो टाइगर था वो एकदम से बार्स की तरफ आ गया और ग्रैंडफादर को जैसे उसने अलाउ कर दिया कि हाथ दोनों हाथ जो है उसके हेड के अराउंड रख सकते हैं। अब ग्रैंडफादर का जो प्यार करने का तरीका था कि वो कभी उसके फोरहेड पे जो है हाथ फेर रहे थे, कभी जो मतलब माथा होता है उसमें हाथ फेर रहे थे, कभी उसके कानों में जो है वो गुलगुली सी कर रहे थे, लेकिन जब भी वो थोड़ा सा गुर्राने की कोशिश करता था तो वो जो है उसको चुप करा देते थे, जिस तरह का उनका पहले तरीका था कि वो जो है हल्का सा उसके मुंह पर हाथ मार के उसको चुप करा देते थे। अब वो जो है जो हमारे ग्रैंडफादर थे उनके हाथ चाट रहा था, लेकिन जैसे ही बगल की केज में जो तेंदुआ था वो उसके ऊपर गुस्सा करता था, गुर्राता था, तो ये एकदम से छिटक के भाग जाता था। ग्रैंडफादर जो है उस तेंदुए को बार बार शूह शूह करके हटा देते थे और फिर दोबारा वो जो टाइगर था वो लौट के आके उनके हाथों को चाटने लगता था। जब फिर दोबारा जब वो तेंदुआ आके उसको परेशान करता था तो ये जाके कोने में फिर बैठ जाता था। अब जिस तरह से ग्रैंडफादर और जो टाइगर था ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार से बातें कर रहे थे, जिस तरह से उनके हाथ चाट रहा था, तो बहुत सारे लोग जो है वहां इकट्ठे होकर इनका इस तरह का एक जो मिलाप होता है उसको देख रहे थे। तभी एक जो वहां का कीपर होगा, जो गार्ड होगा, वो जो है भीड़ में से बाहर आया और पूछा कि ग्रैंडफादर से ये क्या कर रहे हो। तो ग्रैंडफादर ने कहा मैं टिमोथी से बात कर रहा हूं, तुम उस वक्त यहां नहीं थे जब मैंने 6 महीने पहले इस टाइगर को जो है जू को दिया था। तो जो कीपर था वो बोलता है नहीं मैं बहुत यहाँ पर पुराना नहीं हूँ। ठीक है आप अपना ये जो मिलाप है इसे जारी रखें, पर ये जो शेर है या जो टाइगर है ये इतना गुस्सैल है कि हम लोगों की तो कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम इसको कभी छू भी पाए, खासतौर से मैं तो कभी इसे नहीं छू पाया। फिर ग्रैंडफादर ने कहा तुम इसे कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं शिफ्ट कर देते हो, ये जो बगल में तेंदुआ है ये इसको बार बार इतना डराता रहता है, मैं जाता हूँ और खुद ही सुपरिंटेंडेंट से जो है बात करता हूँ। अब ग्रैंडफादर जो है सुपरिंटेंडेंट की तलाश में जो जू के थे उनकी तलाश में चले गए, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि जो सुपरिंटेंडेंट है वो जल्दी घर चले गए हैं। तो थोड़ा सा जू में इधर उधर घूमने के बाद जो है ये टिमोथी के पिंजड़े के पास दोबारा आते हैं ताकि उसको जो है गुड बाय बोल सके। अंधेरा भी होना शुरू हो गया था। अब ये जो है टिमोथी को बिल्कुल वैसे ही प्यार कर रहे थे, 5 मिनट तक लगभग वैसे जैसे उनको प्यार करने का तरीका था वैसे ही कर रहे थे। तभी दूर दूर जो है एक और गार्ड खड़ा था जो इनको थोड़ा सा चौकन्ने उससे देख रहा था। ग्रैंडफादर उसे पहचान गए क्योंकि ये वही कीपर था जब उस टाइम पे टिमोथी को ये लेकर आए थे पहली बार जू में, तब ये यहाँ पर मौजूद था। तो ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि मुझे तुम मुझे याद हो, मतलब याद है जब मैं टिमोथी को यहाँ पे पहली बार लाया था तो तुम थे यहाँ पे, तुम टिमोथी को दूसरे के पिंजरे में क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते हो, ये तेंदुआ इसको इतना परेशान करता है। तो जो कीपर था उसने हकलाते हुए बोला सर ये आपका वाला टाइगर नहीं है। तो ग्रैंडफादर कहते हाँ हाँ मुझे पता है कि अब ये मेरा टाइगर नहीं रहा, पर एटलीस्ट मेरे से एक दो सजेशन अगर मैं दे रहा हूं तो ले तो सकते हो तुम।
तो वो कीपर बोलता है कि नहीं सर, मुझे याद है कि आपका टाइगर कौन सा था, पर वो टाइगर तो 2 महीने पहले ही मर गया। ग्रैंडफादर एकदम से कहते हैं मर गया? तो वो बोलता है गार्ड हाँ सर, उसे निमोनिया हो गया था। और ये जो आप जिसके साथ इतने प्यार से बातें कर रहे हो, ये जो है अभी पिछले ही महीने पहाड़ियों से पकड़ा गया है और बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर तो सोच भी नहीं सकते थे कि अब वो क्या बोले आगे। वो जो टाइगर था वो अभी भी उनके हाथ चाट रहा था, और जैसे होता है ना कि आहा बड़ा अच्छा टेस्टी आज तो मांस खाने को मिल रहेगा, वो ऐसे सोच सोच के और ज्यादा अच्छे से चाटे जा रहा था। अब ग्रैंडफादर को जब एक बार पता चल गया कि ये उनका वाला टाइगर नहीं है, तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा है अपना हाथ जो है वो केज से किसी तरह से बाहर निकाल लो। उन्होंने जैसे अपना जो हाथ था वो केज से बाहर निकाल लिया और बस धीरे से जो है टाइगर के फेस के पास ले जाके बोला गुड नाइट टिमोथी। और जो कीपर था यानी वो जो गार्ड था वहां पर, उसकी तरफ एक गुस्से से लुक देते हुए वो जल्दी से जू के बाहर निकल गए। तो ये थी हमारी स्टोरी अ टाइगर इन द हाउस। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसाम एजुकेशन। बाय।